आप देख रहे हैं एपीएन वेब न्यूज। अज असी आम आदमी पार्टी स्टेट एस सी विंग पंजाब उन्होंने स्टेट के अहदेदार और जिले की साड़ी समुची टीम जसवीर जलालपुरी साढ़े प्रधान जी अपने दर्शन लाल भगत जी स्टेट के उप प्रधान अपने कटानिया साहब स्टेट के सैकटरी और अपने दविंदर चहल जी सैकटरी साढ़े जिले के जोड़े एस सी विंग है और होर साढ़े समुचे साथी जोड़े वाह खड़े ने अपने साढ़े नाल उन्हों वालों सरकार असी एक मंग पत्र देन वास्ते अज इत्थे आए से। ये मंग पत्र करोना महामारी के दौरान दे विच समाज का हर वर्ग जिहड़ा त्रस्त है अपनी जरूरतों तो त्रस्त है रोज़गार तो त्रस्त है आर्थिक तौर पर त्रस्त है दवाइया तो दारू तो हस्पताल तो यह सारिया चीज़ों तो त्रस्त इंसानियत ही त्रस्त है और असी अपने जिले की गल करने सूबे की गल करने वास्ते अज सरकार को अब शड्यूल कास्ट विंग दियाँ खास करके गरीब किरती दुकानदार फड़ी वाला होर जिहड़े लोग ने जिन्हों का बिल्कुल जीवन ही जिहड़ा कोई ही उन्हें जिंदा भी रहना कि नहीं रहना यही सवाल पैदा हो गया। उन्हों वालों कुछ मंग पत्र समाज के उस खास वर्ग वालों असी एक मंग पत्र लैके तो डीसी साहब की मार्फत मुख्यमंत्री नूं अड्रैस किया असी कि इन्हों का तुरंत कोई निवारण किया जाए जिन्हां दे विच कि पंजाब के हर गरीब वर्ग नूं 2 महीने का मुफ्त राशन एक जड़ा वो मुहैया करावे सरकार तुरंत ताकि उन्होंने जिंदगी बची रह सके। उन्होंने एक एक गैस सिलेंडर उन्होंने फ्री महुआ कराया जाए मुहैया कराया जाए। लॉकडाउन में धंधे बंद ने रोज़गार बंद है और हर तरह का काम धंधा जोड़ा वो उत्थे लोगों फैक्ट्रिया तो हटाया जा रहा है रेहड़ी फड़ी बंद है ये लॉकडाउन की बड़ी वड्डी मुसीबत है। उसनों मुख रखदे हां असी आर्थिक तौर से गरीब परिवारों वास्ते 10-10 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता की सरकार तो मंग करते हैं। नरेगा कामियां दीआं जिहड़ियां 100 दिन साल दे विच एक नैशनल प्रोग्राम चलता है कि पिंडां दे विच दूसरा चाहे वह पंचायती राज सिस्टम के तहत ने चाहे सूबे की सरकार दे ने वो 100 तो उदे दिन वधाए जाण उदे 200 तक दिन किए जाण एक साल के 200 दिन कामे नूं जिहड़ा वे गरीब नूं मजदूरी दिती जाए और जिहड़ी उहदी अपने उहदी दिहाड़ी है उहनूं वधा के 600 रुपया विच प्रतिदिन किया जाए ता कि अजकल 400-450 रुपया तो जिहड़े ठेकियां ते काम करन वाले मजदूर ने जे सरकारी प्रोग्राम है तो उहदे विच 600 रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी दी असीं जिहड़ी मंग करदे आ। हस्पतालां दा हालत किसी तो छुपी नहीं हुई ऑक्सीजन की घाट दवाइया की घाट है डॉक्टरों की घाट है नर्सा की घाट है बैड नहीं मिलते उत्थे किसी तरह की कोई इक्विपमेंट नहीं सरकार कर रही जतन पर वो बिल्कुल अधूरे है वो बिल्कुल सुत्ती सरकार जी जागी है। सरकार का हेल्थ सिस्टम बिल्कुल ही अपने कहने के चरमरा के रह गया उन्हों चुस्त दुरुस्त करने वास्ते हर एक चीज़ जी है वो मुहैया करावे क्योंकि सरकारी हस्पताल में ज़्यादातर जोड़े वो गरीब लोग मजलूम वर्ग ही जाता है। ऑक्सीजन दी कोरोना महामारी के दौरान में बड़ी वड्डी नैशनल लैवल से अपने भारत के लैवल के उत्ते जी कमी है महसूस की इतों भी सुत्ती सरकार पकड़ी गई है इन्हों समा रेंदे इंतजाम करने चाहिए सी नहीं किते वो भी साड़ी मांग है कि तुरंत जिहड़ा ऑक्सीजन की घाट को पूरा किया जाए। पंजाब सरकार ने 2500 रुपया अपने मैनीफेस्टो में 2017 के एक अपने वे बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन अंगहीन ते आश्रित इन्हों 2500 रुपया पेंशन देन दी अपने मैनीफेस्टो में वादा किया थे 4.5 साल हो गए ने वो वादा खिलाफ ही है मुकर रहे ने वो पेंशन 2500 रुपया हर गरीब वर्ग नूं और हर वर्ग जिहड़ा मैं दस्सिया दित्ती जाए ये अज मंग पत्र लैके असीं समुचे अहुदेदार जिहड़े एस सी विंग पंजाब दे आ असीं अपने डी साहब नूं मिले आ कि साडी जिहड़ा मंग पत्र है मुख्यमंत्री पंजाब तक पहुँचाया जाए और तुरंत इन्हों का निवारण भी किया जाए कागज़ के टुकड़े बन के ना रह जाए इन्हों का गरीब लोगों का कोई ना कोई निवारण इन्हों का जरूर किया जाए। ओके।